नमस्कार, आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर और मैं हूं प्रगति झा। लॉकडाउन के दौरान तमाम संगठन भूखे प्यासे और जरूरतमंद लोगों की अपने अपने तरह से सेवा कर रहे हैं। कोई पका पकाया भोजन का पैकेट भूखे प्यासों तक पहुंचा रहा है, तो कोई खाद्य पदार्थों के पैकेट बोरे थैले कट्टों में रखकर सामान घर घर तकसीम कर रहा है। हम अपने इस खबर में आपको दिखाने जा रहे हैं कि साईं सूर्यदेव मंदिर के पुजारी पंडित सुशील पाठक ने किस तरह अनाथालय पहुंचकर सेवा की है और क्या बोले हैं पंडित सुशील पाठक। देखिए हमारी यह संपूर्ण रिपोर्ट। खबर अच्छी लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वायरस को लेकर जो लॉकडाउन चल रहा था, वहाँ इस अनाथालय में कुछ खाने भोजन की व्यवस्था को दिक्कत हुई। ये बात कल हमने एक दैनिक समाचार पत्र में पढ़ी और उसको पढ़ने के बाद हमें पीड़ा हुई। कल ही हम यहाँ भाग के आए थे और हमने देखा कि यहाँ दिक्कत है, तो मैंने यहाँ दीपक नाम का एक बच्चा है उससे मैंने कहा, मैंने बेटा जब तक लॉकडाउन रहेगा और जब तक कितनी भी दिक्कत हो, हम डेली भोजन बना के मंदिर से लाकर आप लोगों को व्यवस्था करेंगे। चाहे वो 21 दिन हो अथवा आगे पीछे भी होगा, उस दिन भी हम हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे सूखा राशन लाएँ या बना के लाएँ। और हमारी इच्छा तो बना के लाने की थी, परंतु इनकी इच्छा थी कि बोले शाम के लिए सूखा ले आओ, तो अभी हम बना के लाएँ और शाम के लिए हमने इनको भोजन के लिए दाल चावल के लिए व्यवस्था कर दी है ताकि ये बना के खा लें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जरूर बजाइएगा।